ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य एसटी दलित कौन है? ये सभी जो राम के नारे लगाएगा वो हमारा हिंदू है। जय श्री राम, जय श्री राम। आप बोलिए, आप भी हिंदू हैं। जय संविधान बोलेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों चलेगा? दलित को मानते हैं, क्यों नहीं मानते? क्यों उनको वो नहीं दे रखी, कास्ट ग्रीड नहीं दे रखी हमने एससी एसटी के लिए? उनके लिए क्या नहीं दे रखा? उनके लिए आपने दे रखा है कि संविधान ने दे रखा है, गवर्नमेंट संविधान ने दिया है। देश दुनिया किसे, भगवान से चल रहा है या विज्ञान से? मेरे लिए तो भगवान से चल रहा है। मेरे साथ ये दलित हैं और मैं इनको देख के आश्चर्य हूँ कि आपको लग रहा है कि आप ऐसा भी इंसान है, आपके भी पास दो पैर दो हाथ है। हाँ, ऐसा क्या उनके पास है जो आपके पास नहीं? एक क्या वो तो सब मैम पॉसिबल नहीं है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है? एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है ना जो भगवान की पूजा कर सकती है। आप उसमें राजनीति घुसाओगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ जो हजार लड़कियों से शोषण करूंगा, ये शोभनीय है? नहीं शोभनीय नहीं है, ये शोभनीय है कि हजार लड़की के साथ उन्होंने शोषण किया। ये शोभनीय है कि एक मान प्रतिष्ठा वाले आदमी के साथ, अरे भैया अगर उसने किया तो उसको 12 दिन से वो यहाँ पे बैठी है, हिंदू है, दोनों ही हिंदू है, आरोपी और पीड़िता दोनों हिंदू है। जवाब लो, आप जवाब लेना चाहती हो ना? एक बात बताओ, FIR हो गई? जी, प्रशासन ने बोल दिया इंक्वायरी के लिए। हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। परंतु जो मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, वो जनसंख्या बढ़ाने पर लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप ये पोस्टर देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। मेरे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप। जी जी, मैं। आपको हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए? हिंदू राष्ट्र इसलिए चाहिए कि देश के विश्व के अंतर्गत में काफ़ी देश और जो कि मुस्लिम राष्ट्र हैं, क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, यहूदियों के राष्ट्र हैं, परंतु विश्व में कहीं पर भी कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। और जहाँ पर हिंदुओं की बहुतायत है वो भारत है, और इसमें से भी पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, कई देशों का बंटवारा हो गया, और आज हिंदुओं का अस्तित्व तो धीरे धीरे घटता जा रहा है, परसेंटेज दूसरे लोगों की बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमको चाहिए भारत हिंदू राष्ट्र हो। इसकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है, मैं कहना चाहता हूँ, मुझे खासकर नहीं कहना चाहिए, परंतु जो मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, वो जनसंख्या बढ़ाने पर लगे हुए हैं। उनकी जनसंख्या वहीं की वहीं रुकनी चाहिए, और भारत का अस्तित्व तो बिल्कुल खतरे में है, तो इसको जो रोकना बहुत जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण ज्यादा हिंदू है इस देश में, नहीं आपके राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, फिर भी आपको खतरा? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, बात यह है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हाँ। भारत अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं है, अभी तक भारत को सेकुलरिज्म की दृष्टि से लेना चाहता है। इससे फायदा क्या? देखिए हमारा देश है, हमारा जो कि रहने का पूरा जो अधिकार होना चाहिए, हमारी पूरी जो कि स्वतंत्रता होनी चाहिए इसके अंतर्गत में। मैं ये कहना चाहता हूँ तो ये पाकिस्तान से पूछो ना, उन्हें मुस्लिम राष्ट्र से क्या फायदा? मैं ये कहना, हाँ दिक्कत है हमको, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ये देखिए जितने भी 50 कंट्री है मुसलमानों की, उनसे पूछो उन्हें क्या फायदा है जो मुस्लिम राष्ट्र होने से। तो इसी आधार से नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कौन सा बच्चे तो जिस समय उनसे जो भी कांड हुआ था उसी समय रिपोर्ट करते ना। आप तो केवल सरकार को घेरने की बात की जा रही है, अभी केवल सरकार को घेरने की बात की जा रही है, कर्नाटक और जगह जगह के चुनाव को देख करके जो बात की जा रही है, बल्कि पहले कोई रिपोर्ट थी तो पहले दर्ज करते, पहले रिपोर्ट दर्ज करते। देश में हिंदुओं का न्याय मिलेगा? मैं ये कहना चाहूँ न्याय सबको मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा। बिल्कुल न्याय मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ राजनीति है, कभी केजरीवाल आता है, कभी राकेश टिकैत आता है, कभी सोनिया गांधी आती है, वो लोग आते हैं जो हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं, वो लोग इनके साथ क्यों खड़े हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि पहलवानों के साथ में क्यों आई है लगातार आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है, क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो कोई नहीं हो रहा, तो हिंदू राष्ट्र चाहिए जरूरी। आपका तलवार भी नहीं है? आज तलवार नहीं लेकर आई, आज आपको पता है कि पुलिस का कोई थोड़ा सा ज्यादा वो है, तो इसलिए तलवार नहीं मिला सकती। हिंदू राष्ट्र चाहिए भैया, देखो जिन्होंने अपनी अपने मजहब के लिए 57 कंट्री बना ली, ठीक, और हम हिंदू भाईचारे के चक्कर में एक ना बना पाए, तो हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए हर हालत में। सवाल सुनिए मैडम, हिंदू राष्ट्र कैसा, जैसा यूपी में राम राज चल रहा है वैसा चाहिए क्या? बुलडोजर? ना ना ना, बिल्कुल सत्य चल रहा है यूपी में, संविधान नहीं।
नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? संविधान चाहिए, राम राम, संविधान क्यों नहीं चाहिए? संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, अगर संविधान के हिसाब से नहीं चलते तो आज ये आप देखते भारत हिंदू राष्ट्र बन गया होता। हिंदू राष्ट्र होगा तो ऐसा क्या होगा जो अभी नहीं हो रहा है, अभी हो रहा है या बाद में नहीं होगा? बात ये नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बात ये है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इससे फायदा तो बताइए। बिल्कुल, मेरे सभी जितने भी सनातनी हैं गर्व से कह सकते हैं हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। अल्पसंख्यक जो है मुसलमान जो भी है वो बहुत कम संख्या में है, सबसे ज्यादा हिंदू है। आपके राष्ट्रपति से लेके सारे नेता हिंदू हैं, बीजेपी वाले, अभी बीजेपी की सरकार है और सारे लोग लगभग हिंदू ही हैं, तो क्यों आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? और आपको, आपके योगी सरकार ने अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें 300 के लगभग सीटें मुसलमानों को दे दी है, आपको मालूम है इसके बारे में? कलाब वाले जो कलाब को मानते हैं ना, जो राष्ट्रपति कलाब प्रधानमंत्री को मानते हैं, उनको टिकटें दी हैं। ये जाहिदवाद करते हैं ना ये लोग, जो मतलब बेटियों के साथ रेप करते हैं या क्रिमिनल होते हैं। बेटियों के साथ रेप करने वाली बात की आपके पीछे में वो 10 दिन से 12 दिन से धरना दे रहे हैं उनके साथ किसी? ना 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 ना, गलत गलत गलत, वो चीज गलत, हिंदू नहीं है, गलत गलत, हिंदू है, हिंदू है उनके, गलत गलत बात, उनकी बात मैं आपके साथ बाद में करूंगी। यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात, जिहादी मानसिकता वाले, मैं जिहादी मानसिकता, आप महिलाओं की बात करी, आपने महिलाओं की बात, अच्छा मैं महिलाओं की बात करूं, मेरे पूरा आपके पीछे महिला है उनके बारे में? नहीं नहीं, महिलाओं, मैं महिलाओं का सम्मान करती हूं, और ये पुरुष भाई जिनके ऊपर, आपको पता है भारत में हर रोज 150 से 200 पुरुष जो महिला से पीड़ित आत्महत्या करते हैं, उनका क्या, उनको छोड़ दूं? अस्थमा, आप सवालों से भाग रही हैं। मैं क्यों भाग रही हूं? आप उसका पहले जवाब दीजिए। 12 दिन से वो यहाँ पे बैठी है, हिंदू है, दोनों ही हिंदू है, आरोपी और पीड़िता दोनों हिंदू है। जवाब लो, आप जवाब लेना चाहती हो ना, एक बात बताओ, FIR हो गई? जी, FIR हो गई, प्रशासन ने बोल दिया इंक्वायरी के लिए, तो अब इंक्वायरी 90 दिन में होगी? एक मिनट, 90 दिन में इंक्वायरी होगी, जांच पड़ताल होगी, फिर यहाँ धरना देने का मतलब? इनको जेल पॉक्सो एक्ट के तहत अगर किसी पे FIR दर्ज होता है तो अगले ही दिन साबित करो आपके पास कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई व्हाट्सएप की चैट, किसी तरह का कोई आपके पास? भूषण सरन सिंह खुद कह रहे हैं कि जब वो मेरे से गले लगी थी तो वो असहज महसूस कर रही थी, तो मैंने उनको बताया कि मैं तुम्हारे पिता अतुल्य हूँ। गलत गलत, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब ये मुझे आकर मिल रही थी, मेरे को आकर हक कर रही थी, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कमर में हाथ डाल रही थी, तब भी तो वो पिता समान था, तब वो कौन था? तब भी तो वो पिता था। तो भाई आप क्या कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती, मैं कहती हूँ कि सबूतों के आधार पर अगर ब्रिजभूषण जी गलत है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। इतनी जो लड़कियाँ जो बोल रही हैं वो सारी गलत? कितनी लड़कियाँ? बहुत सारी लड़कियाँ। कितनी लड़कियाँ? 1000 लड़की के साथ उन्होंने बोला है? यहाँ मुझे 100 लड़की दिखा दो, 50 दिखा दो, 20 दिखा दो। शोभा देता है, उन्होंने कहा शिलाजीत की रोटी खाते हैं, उन्होंने क्या बोला? मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ जो 1000 लड़कियों से शोषण करूंगा, ये शोभनीय है? नहीं, शोभनीय नहीं है, ये शोभनीय है कि 1000 लड़की के साथ उन्होंने शोषण किया, ये शोभनीय है कि एक मान प्रतिष्ठा वाले आदमी के साथ? अरे भैया, अगर उसने किया तो उसको जेल करो। उन्होंने खुद बोला मैंने मर्डर किया है, उन्होंने खुद ने बोला कि मैंने मर्डर, मैं रेप की बात कर रही हूँ। आपने बोला मान प्रतिष्ठा वाले, मान प्रतिष्ठा कैसे? उनके खिलाफ 38 FIR है, आप जाके देखिए कैसे वो FIR है, और वो इतने फिर भी आपके नजर में वो मान प्रतिष्ठा वाले? मैं एक हजार लड़की के रेप की बात कर रही हूँ, कि एक मुद्दा आया कि 1000 लड़की के साथ रेप किया है ना, तो 1000 लड़की में से 500 लड़की भी यहाँ नहीं आई, और उससे पहले इतने सालों से कोई लड़की ने FIR नहीं कराई, कोई लड़की ने इसके खिलाफ कोई नहीं बोला, ब्रिजभूषण के खिलाफ। इन्होंने प्रधानमंत्री से भी बोला, कब बोला था? जब रेप हुआ था तब बोला था, सालों बाद आज जब इलेक्शन आ रहे हैं तब ये चीजें याद आ गई हैं। आज से पहले भी चलता ही आ रहा है कि लड़कियां बेफालतू झूठा इल्जाम लगाती हैं। बताओ कौन सी लड़की ने आज तक झूठा इल्जाम नहीं लगाया किसके ऊपर? हिंदू है तो वो झूठ, मतलब लड़कियां झूठा इल्जाम, हिंदू मुस्लिम की नहीं हो रही है, लड़की की बात, दोनों तो हिंदू है। किस लड़की ने कितने बार झूठा इल्जाम नहीं लगाया आपके ऊपर, लड़कों के ऊपर, सिर्फ उसकी मान और मर्यादा को खत्म करने के लिए? मतलब आप
बीजेपी की तरफ से, तो आप मिर्जापुर में भी देख सकते। मैं बीजेपी से हूँ, मैं बीजेपी महामंत्री भी हूँ भादरगढ़ से, और हिंदू बीजेपी में जो भी है वो सारा हिंदू राष्ट्र। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, किसने बोला? हमने क्या मांग करी है? सिर्फ हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। क्यों? अब बात बताता हूँ क्यों क्यों होना चाहिए। आप खुद सोचिए ना, इंडियंस के लिए कौन सा देश है? कहाँ जाऊँ मैं बताओ, कौन सा देश है? सब जगह है, अमेरिका जाइए, हर अमेरिका वीजा लगता है। क्या मेरे को 5 साल के बाद नेपाल जाइए? 5 साल नेपाल भी तो इंडिया का ही टुकड़ा है, हिंदुस्तान का ही टुकड़ा था, पाकिस्तान भी तो इसी का टुकड़ा है। कौन सा? कितने इंडियंस है वहाँ? कितने इंडियंस है नेपाल में? है चलो इंडियन छोटो, हिंदू कितने? हिंदू 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 आप किसको मानते हैं? हिंदू हम सनातनी को मानते हैं, दलित को मानते हैं। क्यों नहीं मानते? क्यों? उनको वो नहीं दे रखी, कास्ट क्रीड नहीं दे रखी हमने एससी एसटी के लिए? उनके लिए क्या नहीं दे रखा? उनके लिए आपने दे रखा है कि संविधान ने दे रखा है, गवर्नमेंट संविधान ने दिया है। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं जी? जी क्यों मांग कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र, हिंदू रह रहे हैं भारत में तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत। किसको किसको आप हिंदू मानते हैं? सभी हिंदू है यहाँ पे। कौन हिंदू है? कौन हिंदू? हिंदू सभी हिंदू कास्ट है यहाँ पे, जो आपके ब्राह्मण है, ठाकुर है, क्षत्रिय है, वैश्य है, क्षत्रिय है, वैश्य, एससी दलित कौन? हाँ, ये सभी जो राम के नारे लगाएगा वो हमारा हिंदू है। जय श्री राम, जय श्री राम। आप बोलिए, आप भी हिंदू हैं। जय संविधान बोलेंगे तो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों चलेगा? जो हमारा हमारे राष्ट्र का नाम ही हिंदुस्तान रखा गया है, देश पे रखा गया है, सिर्फ हिंदू से। आपका पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब आपको हमने देश दे दिया तो आप यहाँ कर क्या रहे हैं? हमें ये बताए ना आप। तो हमारा हिंदू राष्ट्र हमारा अपना है, हम आपको दे चुके हैं, मानते हैं, लेकिन संशोधन मानते ना उसमें कुछ चीजें। अब जो हो गया पुराने टाइम पे वो अब उसमें कुछ अपग्रेड अब होना चाहिए। जनता अब जाग रही है, अभी चीजें जो होती आई हैं, जो आजकल मुसलमान करता आया है, जो 36 टुकड़े जो करते आए हैं, 52 टुकड़े जो करता है, ये कहां तक चलेगा? 36 टुकड़े करने वाला वो मुसलमान नहीं था। ज्यादातर आप देखेंगे, आप जितने भी देखेंगे, सब जो भी आप क्राइम के पर्पज से देखेंगे, किसी भी उससे देखेंगे, तो आपको वहाँ मुसलमान पाएगा। आप ये बताइए, क्राइम सबसे ज्यादा करने वाले चोरी चकारी में, रेप में, गैंग में या आतंकवाद में पाकिस्तानी या मुसलमान सबसे ज्यादा मिलेगा? आप हिंदू, अगर हम हिंदू राष्ट्र उसको घोषित करा रहे तो आपको उसमें आपको हर्ज क्या है? आप हमें ये बताएं। मुसलमानों ने भी देश आजाद होने में अपना बलिदान दिया। वो जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं जो मुसलमान हमारे साथ हैं, जो हमारे साथ नहीं है वो नहीं लगाते हैं। वो सिर्फ गैंगस्टर लोग हैं जो नहीं लगा पाते हैं इन चीजों के लिए। हम हर मुसलमान के लिए नहीं कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को हमने हर किसी को नहीं कहा। मुसलमान हर आदमी गलत है, हम गलत आदमियों के लिए बात। हिंदू राष्ट्र में लड़कियों के साथ गलत नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अभी उस लड़की के साथ देखिए, हिंदू ही तो है। अभी हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो यही तो करने वाले भी हिंदू हैं। और करने अभी उसका कोई न्यायिक फैसला नहीं आया है। जब हिंदू राष्ट्र प्रधानमंत्री रहेंगे क्या? हिंदू राष्ट्र हो तो अभी भी है वो, तभी भी रहेंगे। और इसको तय करने वाला कौन है? आप लोग? जनता है, पहले से जनता रही। आप लोगों के पास कितना जनता है? आप लोग कुल मिला के 10-15 हिंदुस्तान की जनता हमारे साथ है। आप देख रहे हैं, ये परमिशन दिलाइए यहाँ पर, आप परमिशन दिलाइए तो यहाँ लाखों की भीड़ भी आ जाएगी, तलवार लेके, तलवार भी लेके आएंगे। जरूरत पड़ेगी तलवार, शस्त्र और शास्त्र दोनों की बुद्धि हम रखते हैं। शास्त्र से काम नहीं चलेगा तो शस्त्र भी हम चलाना जानते हैं। संविधान मानते हैं, संविधान से ही सब कुछ होता है। अगर बहन बेटियों को बचाने के लिए तलवार की जरूरत पड़ेगी, फरसे की जरूरत, बहन बेटी को बचाएंगे ना? वो न्यायिक फैसला है, वो जब तक साबित नहीं होगा, जब तक न्यायिक फैसला है, जब तक न्याय का कोई वो नहीं आ जाएगा, उस पर कोई हस्तक्षेप, मतलब वो न्यायिक नहीं है, वो झूठ बोल रही है, राजनीति झूठ बोल रही है। हमने कहा झूठ नहीं, झूठ बोल रही है वो। जब तक वो साबित नहीं होता, जब तक चीजें नहीं होती, तो आप कैसे कह सकते हैं उस चीज के लिए? आपको पहले एक पॉइंट बताना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र में दलित कहाँ रहेंगे? जिस दलित को छुआ छूत माना जाता है, जिसको छुआ नहीं जाता है, जिसको मक्के का पानी, हमारा भाई है, दलित भी हमारा भाई है। जो सवाल आप कर रही हैं वो सवाल यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि पहले हिंदू राष्ट्र, उसके बाद में जो आप करिए फिर उसको दूर करेंगे। अच्छा, जो जमस आप अभी दूर कीजिए ना। मैं अभी क्यों करें? क्या क्या दलित नहीं है? हमने सिर्फ मुसलमानों के लिए बोला है, बाकी सब हमारे हिंदू राष्ट्र के, सब हमारे भाई हैं। संविधान में लिखा हुआ है सब, हम सब भारत के जो निवासी हैं वो सब हम भाई भाई। तो आप हिंदू, तो अगर आप निवासी हैं, आप भारत को भारत मानते हैं, हिंदुस्तान मानते हैं, तो आपको हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या हर्ज है फिर उस चीज के लिए? जब अगर आप उस चीज को नाम दे देंगे, उससे आपको क्या हर्ज होता है? उससे मिलने वाला क्या है? दलित कहाँ रहेगा? दलित हिंदुस्तान में रहेगा, जहाँ रह रहा है वहाँ रहेगा। हमारा भाई है, हिंदुस्तान में रहेगा, वो कहाँ रहेगा? वो हिंदुस्तान में रहेगा क्या? उसको आप किसी मठ के पुजारी बनाएंगे, आप छुआछूत हटा देंगे? बताइए आप यहाँ पे कोई भी ऐसा बताइए कि हमें यहाँ पे लगता है कि कोई किस जाति है? ब्राह्मण जाति से? ब्राह्मण है, त्यागी, सैनी, जाट, हिंदू है, हिंदू है,
कोई जाति नहीं है, हम सनातनी है, हिंदू है, हम सनातनी है। आप सारे के सारे ब्राह्मण है? ब्राह्मण नहीं है। आपने कोई भी दलित बताइए, दलित बताइए, कोई भी आया है दलित? हम सनातनी है। कोई दलित आया है? दलित छोड़ दो, हम सनातनी है। दलित से क्या लेंगे आप? आपके हिंदू राष्ट्र में दलितों की संख्या ज्यादा है, तो दलितों को क्या मिलेगा? तो उसके लिए आवाज हम सभी मिलके उठा रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनके लिए भी हम आवाज सभी मिलके उठा रहे हैं, साथ में हैं सभी भाई। देख सकते हैं आप लोग, इनकी जो इनसे जब सवाल पूछा गया कि दलित कहाँ रहेंगे, तो यहाँ पे एक भी दलित नहीं है। ये रहा मैडम जी, ये रहा। क्या क्या नाम है? सूरज कनौजिया। क्या कैटेगरी है? क्या कैटेगरी है आपकी? क्या कैटेगरी क्या है? एससी। एससी? यहाँ सब कुछ ठीक है? आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्यों? क्यों, मैं हिंदू? आपके साथ छुआछूत नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल। आपके किसी भी लोगों के साथ छुआछूत नहीं हो रहा है? आपको, आप क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है? कहाँ? दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में? तो आपको किसने बुलाया यहाँ पे? खुद के मन से आए? आपके फैमिली में सबको मालूम है आप यहाँ पे आए हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? क्या करते हैं माता पिता? मेरे माता पिता, मम्मी हाउस वाइफ है, पापा की अपनी दुकान है। दुकान है? हाँ जी। आपके कोई पुजारी उजारी है किसी मंदिर में कोई? वो तो सब मैम पॉसिबल नहीं है ना। क्यों पॉसिबल? क्यों पॉसिबल नहीं है? एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है ना जो भगवान की पूजा कर सकती है। आप उसमें राजनीति घुसाओगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण्स कर सकते हैं ना। अब उसमें हिंदू अगर कोई राजपूत है, कोई दूसरी कास्ट का है, वो नहीं कर सकता। पुजारी से आपका क्या लेना देना? उसमें संविधान के टाइम में भी आपको ये लगता है कि ब्राह्मण जो है कास्ट में सबसे ऊपर है, सिर्फ उन्हीं को आके भगवान को पूजने का? भगवान को पूजने में और पुजारी होने, मंदिर का पुजारी होने में दोनों में फर्क है। मंदिर का पुजारी अभी उसी को, आप इंसान नहीं है ऐसा क्या है? सुनिए, मेरे साथ ये दलित हैं और मैं इनको देख के आश्चर्य हूँ कि आपको लग रहा है कि आप अभी इंसान है, आपके भी पास दो पैर दो हाथ है, ऐसा क्या उनके पास है जो आपके पास नहीं? एक क्या, ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है उनके पास है, वही सिर्फ मंदिर के पुजारी बन सकते हैं? एक तरीका होता है ना, एक पर्टिकुलर एक फ्लो में चीज़ें चलती हैं, वो जिस भगवान के जो उनको ज्ञान है वेद पुराणों का, तो वही पूजा कर सकते हैं ना। अगर मैं वो चीज़ें मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो चीज़ें मैं कंप्लीट करता हूँ, तो मैं भी उसके लिए एलिजिबल हूँ। देश दुनिया में, देश दुनिया किसे, भगवान से चल रहा है या विज्ञान से? मेरे लिए तो भगवान से चल रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये दलित हैं और इनको भगवान से देश चलाना है। ये बोल रहे हैं कि भगवान जो है, भगवान से देश चलेगा और मैं भगवान को मानता हूँ और ब्राह्मण में ऐसी शक्ति है जो ब्राह्मण ही पूछ सकते हैं। आप लोग इस खबर पे बताइए कि मतलब मैं सोचने में, मतलब अभी तक मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि जहाँ दलित संविधान को मानते हैं, मैं उनसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी, कहाँ गए वो? I am not interested. आपसे मैं पूछ रही हूँ, संविधान को मानते हैं या नहीं? मेरे को बात ही नहीं करनी। आपको बात करनी पड़ेगी। आप नहीं करनी पड़ी। It's my choice. संविधान को मानते हैं या नहीं? It's my choice. देख लीजिए, ये अपने आप को दलित बताते हैं और ये संविधान पे सवाल पूछने के बाद ये बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये है इनका। आप लोग ज़्यादातर हमारे जो दर्शक हैं वो दलित हैं, वो यही ब्राह्मणवाद मनुवाद से अभी तक लड़ रहे हैं, लेकिन अगर दलितों के बच्चे इस तरीके से करेंगे तो कैसे हम लोग संविधान को बचा पाएंगे? आप लोग इस पूरी खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।